हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ सुबह के बज गए हैं 8 और आराध्या चली गई स्कूल, तो मैंने आराध्या के लिए अलग सा ब्रेकफास्ट बनाया था। मैंने आराध्या के लिए चीजी सैंडविच बनाया था और उसको फिर मैंने एप्पल काट के दिया था। एक्चुअली गाइस, बहुत ज़्यादा सुबह में काम पड़ जाता है मेरे को, हार्डली 6 बजे 5:30 बजे जग जाना पड़ता है और रात को भी लेट नाइट सोना पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती है बिल्कुल। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज हस्बैंड लंच नहीं ले जाने वाले हैं, मीटिंग है उन लोगों के फ्रेंड के साथ, उन लोग का रेस्टोरेंट में आज लंच होगा। तो सिंपली मैं हमारे आलू गोभी को फ्राई कर रही हूँ, यहाँ मैं कॉर्न को बॉईल कर रही हूँ। आज मैं कॉर्न का चीजी कॉर्न बनाऊँगी फ्राई करके, एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट में। ये बहुत ही अच्छा है जब आप ब्रेकफास्ट में कॉर्न को बॉयल करके फ्राई करते हो तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए आलू गोभी फ्राई कर रही हूँ और साथ में बना रही हूँ मैं ये कॉर्न। जब कॉर्न आप बॉयल हो जाए तो सिंपली आपको चाकू से विद द हेल्प ऑफ नाइफ आपको ऐसे निकाल देना है, ये एकदम इजी तरीके से निकल जाता है गाइस। और आप लोग भी बहुत सारे लोग बनाते होंगे घर में अपने अपने तरीक़ों से, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता होगा। किसको किसको पसंद है आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो सिंपली आपको इसे, अभी गर्म है तो मैं थोड़ा सा हाथ जल रहा है क्योंकि हस्बैंड को जाने, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, लेकिन आप ऐसे आसानी से इसे विद द हेल्प ऑफ नाइफ आप इसे निकाल सकते हो। तो गाइस, सबने बहुत ज़्यादा एक सवाल किया था कि दीदी बेबी बॉय के टाइम आपको 9 मंथ में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला था। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि एज ए बेबी बॉय के टाइम में जो 9 मंथ में मेरी जो चेंजिंग थी, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ मुझे क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला था। तो सबसे पहले गाइस, जब 9 मंथ आता है तो जो बेली का वेट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब मैं अपनी बेली की बात करूँ तो मेरा बेली का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एज ए बेबी गर्ल में तो सारी जगह से बड़ा था, लेकिन बेबी बॉय में सिर्फ मेरा पेट था जो पॉइंटेड की तरफ था, मेरे बेली पॉइंटेड था, पीछे से कुछ भी वेट नहीं था, आगे से बहुत ज़्यादा वेट था और सारा वेट मेरे थाइस पे पड़ता था, मेरे यूट्रस पे पड़ता था। पर तो आपको बताऊं कि मुझे 2 मिनट पे भी चलती थी कहीं तो मुझे ना सूसू की प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं कहीं जाऊं तो बस मुझे सूसू लग जाती थी, मतलब वो कंट्रोल नहीं होता था। मैंने बेबी के गर्ल टाइम के, मतलब जब मैं बेबी गर्ल को कंसीव की थी तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी सूसू वाले, बट जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मैंने को सूसू वाली प्रॉब्लम बहुत हुई थी। एट 1 to 9 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा 9 मंथ में मुझे फेस करने को मिला है। और मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे बेबी बॉय के टाइम जो मेरा बेबी था वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं था, एकदम बीच में था, ऐसा लगता था कि नाभि के पास था वो, मतलब बहुत लोग बोलते थे जैसे बच्चा खिसक जाता, वैसा नहीं था, वो पॉइंटेड था, नाभि के पास था और मुझे सारा वेट नीचे की तरफ था, मुझे कुछ ऊपर की तरफ वेट नहीं था मेरे बेबी का। मेरे बेबी का वेट था जो वो नीचे की तरफ था गाइस, ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं था। और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे स्किन में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिला था, मुझे कहाँ कहाँ दर्द होता था। तो मेरे थाइस में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ही ज़्यादा थाइस में लगता था यार कि मैं चलती थी तो मेरे थाइस में बहुत ज़्यादा पेन करते थे, पैर में और मेरे बेली के नीचे जहाँ मेरा बच्चा था, मेरा बेबी बॉय था, मेरे यूट्रस पे बहुत ज़्यादा भार था, मुझे ऐसा लगता था कि कितना ज़्यादा भार है। तो मुझे ये सारी जो चीज़ें थी मुझे 9 मंथ में फेस करने को मिला था। मेरा जो स्किन था थोड़ा मतलब लास्ट मोमेंट में मैं थोड़ा हेल्दी हो गई थी, स्किन मेरा जो था इतना मोटा नहीं था बट सूज गया था 9 मंथ में, थोड़ा थोड़ा स्किन 9 मंथ में सूजा टाइप का था। और मैं शुरू से लेके लास्ट तक मेरा जो कलर था उसमें मैं थोड़ा खूबसूरत लगने लगी थी बेबी बॉय के भी टाइम पर, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जो मेरा कलर था वो बरकरार था बेबी बॉय के टाइम पे, और लेकिन स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, खूबसूरत लगता था। और जहाँ मैं अपने बालों की बात करूँ तो मेरे पूरे 9 मंथ तक मेरे बाल नहीं टूटे हैं बेबी बॉय के टाइम पे, 9 मंथ तक मेरे बाल अच्छे थे, घने थे और काफ़ी मेरे बालों की लेंथ भी बढ़ गई थी। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, नहीं, बेबी गर्ल के टाइम पर मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पर मेरे बाल थोड़े से भी नहीं झड़े थे गाइज, आपको मैं बता देती हूँ। और मुझे हमेशा कहते हैं ना, मैं राइट करवट ही सोती थी, लेफ्ट में कभी नहीं सोती थी, हमेशा राइट करवट सोती थी। मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा डांटते थे कि लेफ्ट करवट सोने को, बट मैं नहीं सोती थी, तो मैं हमेशा राइट करवट सोती थी, लेफ्ट में कभी नहीं सोती थी और बहुत ज़्यादा डांट भी खाती थी बट मैं लेफ्ट में कभी नहीं सोती थी गाइज। मुझे राइट करवट 1 to 9 मंथ तक मुझे राइट करवट सोना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था।
मतलब मैं 9 मंथ तक बोल सकती हूँ राइट करवट लेकर सोई हूँ अपने बेबी बॉय के टाइम पे। और यार और भी बहुत सारी चेंजिंग थी, मुझे थाइस में दर्द होते थे, मुझे बेली के नीचे बहुत ज़्यादा पेन होता था, मुझे हमेशा सुसु की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मेरे बाल नहीं झड़े थे, मेरे चेहरे पे ऐसा नहीं कि मैंने आपको सब कुछ शेयर किया आपके साथ। और मेरे बैक साइड में भी दर्द होता था बहुत ज़्यादा, मतलब कमर बहुत ज़्यादा पेन करता था। तो ये सारे जो सिम्टम्स थे मुझे 9 मंथ में देखने को मिले थे। और मुझे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब ये शाम का ब्लॉग है, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। तो यहाँ पर मैं गाइस मार्केट आई हूँ, मेरे हस्बैंड को कछुए का अंगूठी लेना था चांदी का, उनके पास ऑलरेडी एक था लेकिन वो पता नहीं कहीं खो गया है, तो उन्हें लेना था। तो वो अभी हम दोनों आए हैं, वो यहाँ पर बाबू के साथ आए हुए हैं। और ये जो फ़ोन है, आराध्या घुमा रही थी ऐसे ऐसे मेरे फ़ोन को, और अर्नब देखो मेरे गोद में है। तो हस्बैंड ले रहे थे और मैं, मेरा बाबू, आराध्या, हम चारों आए हुए थे। शाम का टाइम है, अभी फ़िलहाल 6 बज रहे होंगे। तो हम लोग बाहर आए थे और काफ़ी अच्छा मौसम भी था गाइस, मतलब मुंबई की यही खास बात है कि मौसम बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे को ना मुंबई का क्लाइमेट वेदर बहुत पसंद है। तो यहाँ हम लोग अब जा रहे हैं घर वापस, और वापस घर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद वापस घर जाएंगे। से आराध्या का कॉम्पॉक्स बॉक्स भी लेना था तो वो ले लेंगे, और मुझे भी एक लिपस्टिक लेनी थी, लेकिन देखती हूँ लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ। अभी कुछ हम लोग खाएंगे, तो अभी अर्नब मंचूरियन, सॉरी अर्नब को बोल रही, हम लोग मंचूरियन खाएँगे। कभी हम लोग बाहर आते हैं तो यहाँ मंचूरियन बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है, तो मंचूरियन खाएँगे। आप देख सकते हो बारिश हो रही, इसलिए मैं छाता लेकर आई हूँ। बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठीक नहीं है। मुंबई की बारिश ऐसी है कि कभी भी बारिश आ जाती है, मतलब ऐसी धूप रहेगी और आप देखोगे जस्ट तुरंत थोड़ी देर के बाद बारिश आ जाती है, इसलिए हम लोग छाता लेकर चलते। और यहाँ मैं एक शॉप पे आई थी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लेना था मेरे को लिपस्टिक, मैंने आपको बताया था। और अर्नब इतना सारा टॉयज़ को देख के इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, उसके लिए भी टॉयज़ लाना है गाइस, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ लेना है। तो मैं सोच रही सॉफ्ट रबड़ वाली टॉयज़ लाऊंगी, काफ़ी उसको अच्छा लगेगा क्योंकि उसका अभी वो बच्चा है, तो हार्ड टॉयज़ देने का मतलब नहीं बनता है, थोड़ा सॉफ्ट पे टॉयज़ रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो वही इसके पापा उसके लिए टॉयज़ देख रहे थे, लेकिन कुछ भी सॉफ्ट नहीं था उसमें, मतलब अर्नब के खेलने का लायक इसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। और यहाँ पर वो मैं लिपस्टिक वगैरह ले रही थी, बस लेकर अब घर जाऊंगी मैं। और गाइज अभी शाम हो गया है, रात यानी रात के 8 बज रहे हैं, और यहाँ पर मैं गाइज बना रही हूँ पुआ बना रही हूँ। हम लोग को मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो यहाँ पर छोला और पुआ बना रही थी मैं। हस्बैंड तो ऐसे खाते नहीं, लेकिन मेरे हाथ का खाते बोलते तो तुम्हारे हाथ का टेस्टी लगता है पुआ। यहाँ पर मैं पुआ बना रही हूँ और ये छोला बना रही हूँ। छोला काफ़ी, मैंने छोला में कोई भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने सिंपल अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, क्योंकि रात का समय और मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर लिया और थोड़ा वो खड़े मसाले यूज़ कर लिए हैं। और छोला आप पुआ हम लोग खाएँगे आज। काफ़ी आराध्या को भी हमेशा बोलती रहती है मम्मा कुछ मीठा खाना है, ऐसे आराध्या का स्वीट डिशेज फेवरेट है, मेरा भी साथ साथ फेवरेट है, हम लोग दोनों स्वीट डिशेज खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। तो हम मेरे हस्बैंड को यहाँ तक अगर मैं ही मिलता है कुछ खाने पे, थोड़ी सी भी मीठा नहीं मिलता है तो उनको खाने में अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली जब उनको खाना दोगे ना तो थोड़ा सा मीठा होना चाहिए उनको खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पुआ बना रही थी और काफ़ी टेस्टी बना था गाइस, काफ़ी टेस्टी बन गया था सिंपल वे में। और देख सकते तुम लोग बना लिए, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, 10 बनाऊँगी, 10 में हम लोग खा लेंगे। और छोला भी यहाँ पर अब रेडी हो रहा है। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ग्लैम गर्ल आलिया ब्लॉग्स। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।